आदाब नाज़रीन, एस वाई एस चैनल में आपका इस्तकबाल है। बेगम बाज़ार फिश मार्केट शहनाजगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल रात 7:30 बजे नीरज पवार नामी 22 साल नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि इस कत्ल में 6 लोग मुलव्वस है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री सी वी आनंद IPS ने वेस्ट जोन DCP श्री जेवल डेविस IPS को डायरेक्शन दिया और DCP वेस्ट जोन ने पुलिस की टीमों को तश्कील देते हुए 6 में से 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और 2 फरार बताए जाते हैं। वेस्ट जोन DCP ने आज मीडिया से बात करते हुए इस मर्डर केस की तफसील बताई। आइए दिखाते हैं वेस्ट जोन DCP श्री जेवल डेविस IPS ने क्या कहा। पांच लोग अटैक किया, अटैक करने के बाद पुलिस और लोकल पब्लिक लोकल के उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया उस्मानिया हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट के दौरान उसका देहांत हो गया। उनका ग्रैंडफादर के संगठने का टाइम में उनके साथ था। ग्रैंडफादर का कंप्लेंट के ऊपर हम लोग 302 केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर होने के बाद हमारा CP साहब आदेश दिए हमारे को, ये स्पेशल ग्रेव क्राइम में आता है, सेंसेशनल क्राइम है, तुरंत पकड़ना है। उनके 7 टीम बनाया। टीम में हमारा सिविल फोर्स और CP साहब का टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच और आर्म्ड फोर्स भी थे। ये पूरा 7 टीम मेहनत करके विद इन 24 आवर्स 4 अकीज़ को पकड़ गया। उसमें संजय है, ये संजना डिसीज तो वही संजना का रिश्ते का भाई है। विजय अंकल का सन है और 2 उनके मजाक के लोग हैं। पकड़ने के बाद हम लोग इंदिरा गेट करके पूरा टेक्निकल एविडेंस भी लिए। अभी तक 6 आदमी का इन्वॉल्वमेंट निकला। 6 आदमी में 4 को पकड़ा। 1 फ्रेंड है उनका महेश बोल के, आउटस्टैंडिंग है। 1 संजना का भाई है नंदन बोल के, वो भी आउटस्टैंडिंग है। अभी हमारा टीम पकड़ने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके पूरा आई विटनेसेस का स्टेटमेंट टेक्निकल एविडेंस पूरा लेके इमीडिएटली विद इन शॉर्ट टाइम चार्जशीट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चार्जशीट करने के बाद भी फास्ट ट्रायल भी रिक्वेस्ट करेंगे। CP साहब भी आदेश दिए, ये स्पेशल ग्रेव क्राइम एंड सेंसेशनल क्राइम है, इसलिए शॉर्ट टाइम में कन्विक्शन लाना है इसमें टू इंक्रीज दी सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके लिए सेपरेट टीम भी बनाया हम लोग। पूरा चार्जशीट तक वो टीम इस केस में काम करते हैं।